केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ई राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, राम मंदिर निर्माण के संबंध में कोर्ट के फैसले का करना चाहिए सभी को इंतजार। अध्यादेश लाने पर बोली केंद्रीय मंत्री पटेल, जब अध्यादेश लाया जाएगा तब पार्टी लेगी कोई निर्णय। अभी अध्यादेश नहीं, सिर्फ कोर्ट के निर्णय पर सबको करना चाहिए सम्मान। योगी के हनुमान जी को दलित कहने पर बोली अनुप्रिया, यह अनावश्यक बहस है, इस बहस को नहीं उठाना चाहिए। ईश्वर की न कोई जाति है न कोई धर्म, ईश्वर सबके आराध्य होते हैं, ये सब बहस अनावश्यक है। गठबंधन की सीटों को लेकर बोली अनुप्रिया, बीजेपी से है मधुर संबंध, सीटों के मामले में जल्द किया जाएगा फैसला। 2019 का चुनाव हिंदुत्व नहीं विकास को लेकर लड़ा जाएगा। कुशीनगर से अतुल सिंह के दिए गए बयान पर बोली केंद्रीय मंत्री, सभी को भाषा की गरिमा में रहनी चाहिए, अधिकारी सभी के लिए होते हैं, किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। झांसी में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी अनुप्रिया। जालौन आने का उद्देश्य सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, यहाँ से मैं गरौठा जाऊंगी और गरौठा से झांसी जाऊंगी। झांसी में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन है और एक महाविद्यालय में कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक है, तो यहाँ भी अभी हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए, हमारे साथ अभी सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है, और जहाँ तक अपना दल की बात है तो अपना दल के NDA गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी से 2014 से लेकर आज तक हमेशा मधुर संबंध रहे हैं और सम्मानजनक सीटों पे हमने हमेशा चुनाव लड़ा है। और जब सीटों के बंटवारे की चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि आसानी से सीटों का बंटवारा भी तय हो जाएगा। तो ये गठबंधन जिस सुविधाजनक तरीके से चल रहा है, बहुत मधुरता से चल रहा है, आगे भी चलेगा। अभी इसमें पार्टी में कोई विचार नहीं हुआ है, जब समय आएगा तो हमारी पार्टी उस पर एक निर्णय भी लेगी और हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से इसकी चर्चा भी करेंगे। हमारी पार्टी का सिर्फ यही स्टैंड है कि राम मंदिर के संबंध में हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह विवादित मामला है और सुप्रीम कोर्ट में हम सभी की आस्था है और मुझे लगता है कि कोर्ट के माध्यम से ही इसका एक पीसफुल समाधान निकल सकता है। कि ये सब अनावश्यक बहस है, अनावश्यक बहस है ये, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बहस को हमें नहीं उठाना चाहिए। ईश्वर की कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता है, ईश्वर सबके लिए होते हैं, सबके आराध्य होते हैं और हम सब उनमें आस्था रखते हैं, उनको मानकर चलते हैं। तो मैं इस बहस को पूरी तरीके से अनावश्यक समझती हूँ। 2019 में हिंदुत्व, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, 2019 में भी क्या हिंदुत्व या विकास का मुद्दा रहेगा? मुझे लगता है कि NDA ने इस बात को स्पष्ट रूप से पूरे देश के समक्ष रखा हुआ है कि आने वाला चुनाव और हर चुनाव पूरी तरीके से विकास के एजेंडे पर ही लड़ा जाएगा। 2014 से लेकर अब तक जब से हमारी सरकार बनी है, तब से निरंतर विकास के मुद्दे पर देश में काम हो रहा है। तमाम जनहित की योजनाएं लाई गई हैं, उज्ज्वला योजना उसका उदाहरण है। आयुष्मान भारत अब तक की स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना है, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कोई योजना स्वास्थ्य बीमा की नहीं है। तो आप देखिए, समाज के गरीब तबके को किस तरीके से लाभान्वित किया जाए, गरीबों पर केंद्रित होकर सारी योजनाएं लाई जा रही हैं और चुनाव में हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। देखिए, राजनीतिज्ञों को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। अधिकारी भी सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं और राजनेता भी सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, और मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि की एक अधिकारी की अपनी अपनी भूमिका होती है। अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुनते हैं या कोई जनता की जायज़ मांग पर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फोरम है, हम माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं और सिस्टम के तहत जो व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत ही हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपने बातों को और अपनी तकलीफ़ों को, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे समाज के किसी भी तबके में किसी प्रकार का उनको दुख हो या किसी भी तरीके का कोई गलत प्रचार हो, कोई दुष्प्रचार हो।